हेलो दोस्तों, डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आपको पता ही होगा कि पिछले वीडियो में हम डिस्किट गए थे और जहां पर हमने ये 106 फीट ऊंचे मैत्रेय बुद्धा के दर्शन किए थे और साथ साथ ये मोनेस्ट्री भी आपको दिखाई थी। तो मुझे उम्मीद है आपने हमारे पिछले वीडियो ज़रूर देखे होंगे और यदि नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उन्हें ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का रोड टू लद्दाख का सफ़र शुरू करते हैं। तो अभी हम बढ़ चले दोस्तों डिस्किट से हुंडर की तरफ और अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और ये जो रास्ता है ये हमें हुंडर की तरफ लेके जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हो अभी शाम भी होने वाली है, तो अभी फटाफट आगे हुंडर पहुंचते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें अपना कैंप साइट का भी बंदोबस्त करना है। और एक बात आपको बता दूँ दोस्तों कि जैसे आप डिस्किट से आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आपको HP का और एक पेट्रोल पंप मिल जाता है। तो अभी इस रूट पर आपको पेट्रोल की कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। पहला जो पेट्रोल पंप था वो मैंने आपको खालसर में बताया था और दूसरा ये यहाँ पे और एक पेट्रोल पंप है। और वहीं से दोस्तों धीरे धीरे अभी हम आगे की ओर बढ़े जा रहे हैं और ये जो रास्ता है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। तो आप भी इस खूबसूरत रास्ते का आनंद उठाइए और बने रहिए हमारे साथ में। और वहीं दोस्तों धीरे धीरे हम हुंडर की तरफ आगे बढ़े जा रहे थे और तभी मेरा ध्यान गया तो मैंने देखा कि यहाँ पर हर जगह पे जो लैंडस्केप था ये बिल्कुल अभी सैंडी हो गया था। ऐसे लग रहा था कि जैसे हम रेगिस्तान में पहुँच गए हो। और उसी वजह से इस जगह को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है क्योंकि एक तो इतनी ठंडी और ऊपर से इतनी रेत। और अभी वैसे तो शाम होने आई थी तो आप देख सकते हो सनसेट की वजह से सामने जो माउंटेंस है वो भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली बिल्कुल परफेक्ट टाइम है हुंडर पहुंचने के लिए क्योंकि अगर आप दोपहर को पहुंचते हो तो वहाँ पे बहुत चिलचिलाती धूप होती है तो आप ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन ये टाइम पे अगर आप पहुंच गए तो आप वहाँ का जो नेचर है वो बहुत अच्छे से इन्जॉय कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। और अभी हुंडर से पहले ही मेरा ध्यान गया तो मेरे लेफ्ट साइड में कुछ पेट्रोल पम्प जैसा बना हुआ था। हालाँकि देखने में पेट्रोल पम्प जैसा नहीं है लेकिन आप यहाँ पर भी पेट्रोल फिल करवा सकते हो। और अभी दोस्तों कुछ ही देर में हम हुंडर भी पहुंचने वाले हैं। आपको हमारे राइट साइड में जो पूरा एक गांव जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा वही हुंडर है। तो अभी ये जो सीधा रास्ता है ये आगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाता है जहां पे थांग, त्याक्षी और तुरतुक विलेज आते हैं। तो वहाँ पर अभी हम कल जाएंगे। और हुंडर की तरफ जाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ से एक राइट टर्न लेना होता है। सीधा रास्ता जो है वो आगे जाएगा तुरतुक की तरफ। और अभी हम बढ़ चले हुंडर में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पे होटल्स है और कई सारे कैंप साइट्स के लिए बोर्ड भी लगे हुए हैं। तो देखते हैं आगे हमें यहाँ पे क्या मिलता है। और वहीं पे दोस्तों एक रास्ता आ जाता है जहाँ से एक आपको लेफ्ट और एक राइट का रास्ता है। तो अभी फ़िलहाल हम राइट जा रहे हैं जो रास्ता सैंडून की तरफ जाता है। दरअसल बाहर की ओर हमारे 360 कैमरा लगा हुआ है तो उस वजह से जो बच्चे हैं थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं। और वहाँ से जैसे ही कुछ आ गया है दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये। पानी में बहुत ही बढ़िया रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ तक अभी तक पूरी सड़क बनी नहीं हुई है, यहाँ पर अभी कच्ची सड़क बन गई है। लेकिन हो सकता है शायद आने वाले कुछ समय में आप जब आओ तो यहाँ पर भी आपको पक्की टार सड़क देखने मिल जाए। और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए दोस्तों अभी हम पहुँचने वाले हैं यहाँ के पार्किंग एरिया में। और जैसे कि आप देख सकते हो आपको हमारे राइट साइड पे सैंड नज़र आ रही होंगी, तो वहाँ पर ही यहाँ के सारे सैंड ड्यून्स शुरू हो जाते हैं। और जो लेफ़्ट साइड में यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी भी है तो उस तरफ पानी है, मतलब उस तरफ नदी का फ्लो भी है और उसी वजह से आपको यहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी भी देखने मिल जाएगी। और अभी जो है ये 5:50 हुए हैं तो हम 5:30 निकले थे डिस्किट से और 20 मिनट में हम यहाँ पे पहुँच गए हैं।
और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आके खड़ी हुई है, तो टूरिस्ट तो बहुत आ गए यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों पहले अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और फिर इस लोकेशन को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो आखिरकार दोस्तों हमें भी पार्किंग मिली गई यहाँ पे, और ये कुछ पार्किंग लॉट है यहाँ का। हालांकि यहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत ही सारी जगह है, तो पार्किंग का कोई टेंशन नहीं है, चाहे कितनी भी गाड़ी आ जाए। और यहाँ पे इस तरह से बाइक्स भी खड़ी हुई है, और सामने की तरफ आपको जो मैंने बताया एक रिवर जैसा है, तो उसकी वजह से एक लेक बन गया है। तो यहाँ पर कुछ फूड ट्रक्स भी खड़े हैं और आराम से लोग पानी में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हुंदर पहुँच गए, और ये है आपके सामने यहाँ के सैंड ड्यून्स, और ये है उमेर का फ्रेंड। और अभी थोड़ा सा उजाला है, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको जितना हो सके उतना दिखाने की। इस पूरा पार्किंग है, बहुत सारी गाड़ी आई हुई जैसे आपने देखा होगा अगली फुटेज में। और यहाँ पे कुछ ये पानी का है, लेकिन पूरा यहाँ पे इन्होंने कॉर्डन कर दिया इसको निकले तार लगा के। ऐसे सब लोग पिकनिक करने भी आते हैं। पहले यहाँ पे कैंपिंग भी करने देते थे, लेकिन अभी कैंपिंग यहाँ पे अलाउड नहीं करे क्योंकि लोग सब गंदा करते हैं, तो उस हिसाब से। और ये वही सारे बाइकर्स हैं जो हमें इस ट्रिप में मिले थे, यहाँ पर भी आ गए हैं। एक पूरा सर्किट है जो लोग लद्दाख से निकलते हैं। तो और वहाँ पे दूर आपको कुछ कैमल्स नज़र आ रहे होंगे, होराइजन पे है बिल्कुल, तो आपको इतना दिखाई नहीं देगा लेकिन अंदाजा आ जाएगा। तो चलिए अंदर लेके चलता हूँ और देखते हैं। और ये यहाँ से पानी में से आपको एक छोटा सा ब्रिज है, अल्पेश भाई जा रहे हैं उसके ऊपर से आपको जाना है। और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, और यहाँ पे ये काउंटर जैसे कि हर जगह पे होते हैं ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम के, तो यहाँ पे ये लद्दाखी कॉस्ट्यूम के काउंटर है। 200 रुपया है पर ड्रेस। फैमिली के साथ आएंगे तो ये कर सकते हैं, अकेले क्या करेंगे। और ये यहाँ का साइन बोर्ड, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और वहाँ पे वॉशरूम्स भी है, यहाँ पर शूटिंग, आर्चरी, ये सब भी एक्टिविटीज़ है टूरिस्ट के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों आपके साथ में यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होती है सब शेयर करने की। और दूसरी बात की ये जो हुंडर है, ये एक समय में नुब्रा किंगडम का कैपिटल हुआ करता था। अभी ये एक यहाँ का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, तो यहाँ पर अभी कई सारे टूरिस्ट आते हैं। और ये नुब्रा वैली में सबसे ग्रीन लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पर श्योक रिवर की वजह से काफ़ी अच्छी खासी ग्रीनरी है यहाँ पर। और दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, तो अभी सामने की तरफ यहाँ पे कैमल राइड का भी नज़ारा देखने मिल रहा था, और साथ ही साथ यहाँ पर जो बैकग्राउंड में माउंटेन्स है वो भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे थे, क्योंकि अभी सनसेट होने वाला था, तो आधी जो माउंटेन पीक है वो गोल्डन दिखाई दे रही थी। और ये जो सामने आपको एक कैबिन जैसा दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहीं से आपको कैमल राइड के लिए टिकट्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पर बाद में आके पूछते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। और दोस्तों हुंडर के जो कैमल है ये काफ़ी फेमस है उनके दो हम्प्स के लिए, इन्हें बैक्टीरियल कैमल भी कहा जाता है, और यहाँ पर कॉमनली इसे डबल हम्प कैमल के नाम से लोग जानते हैं। हालाँकि ये जो कैमल है ये बहुत ही कम देखने मिलते हैं, विश्व में सिर्फ दो ही स्थान है जहाँ पर अभी आपको ये कैमल दिखने मिलेंगे, एक तो नुब्रा वैली का ये हुंडर जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, और दूसरा है मंगोलिया का गोबी डेजर्ट। तो ये दो ही जगह पर अभी ये जो प्रजाति है ये आपको देखने मिलेगी, तो ये बहुत ही रेयर स्पीशीज़ है, तो और उस वजह से यहाँ पर इनका बहुत ही ध्यान रखा जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो कैमल है यहाँ पर, इनके ऊपर कैमल सफारी भी आप कर सकते हैं,
तो चलिए देखते हैं किस तरह से यहाँ पर ये कैमल सफारी की जाती है। एक समय में सिल्क रूट पे आने जाने के लिए इन्हीं कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता था, और अभी आप जैसे कि देख सकते हो इनके जो दो हम्प है इनके बीच में यहाँ पे यात्री बैठते हैं। और इनके जो दो हम्प है इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि ये बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, तो इन्हें जो खाना है ये कभी कभार ही मिलता है, तो इनके हम्प में जो है ये इनका एनर्जी स्टोर किया हुआ रहता है, और उसी वजह से लॉन्ग ट्रिप में भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। तो यही रीज़न है इनके दो हम्प होने के पीछे का। और यहाँ पर ये जो दोस्तों राइड्स होती है कैमल सफारी पे, ये ग्रुप में की जाती है। ऐसे 3-4 लोगों का पहले ग्रुप बनाया जाता है और उसी में आपको लेके जाते हैं, और करीबन 15 मिनट का ये राइड होता है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो छोटे कैमल के बच्चे होते हैं उन पे कोई बैठता नहीं है, लेकिन वो साथ में रहते हैं, ऐसे एक एक ग्रुप लेके जाते और वहाँ से पूरा ड्यून्स में राउंड मारा के फिर यहाँ से वापस आते हैं। ये देखिए किस तरह से इसके ये दो हम्प है। कैमल राइड के अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आने वाले टूरिस्ट है ये इन खूबसूरत कैमल्स के साथ में फोटो खिंचवाने का भी आनंद लेते हैं, क्योंकि है ये काफ़ी यूनिक क्रीचर है, बहुत ही कम देखने मिलते हैं, और ये इतने ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते। अगर आप इन्हें प्यार से सहलाओ तो ये आपको पेट करने देते हैं, बस खाली आपको इनको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, बाकी तो ये बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। सब बिल्कुल जैसे बंजारे लोग घूमते थे वैसे आजकल के ये मॉडर्न बंजारे हैं हमारे टूरिस्ट, एक एक करके भी ये बैठेंगे, जैसे फ्लाइट लैंड होती है वैसे ये सब लैंड होंगे। तो कैसे डिसिप्लिन में सब खड़े हुए हैं। और दरअसल देखा जाए तो आगे पीछे हम्प होने की वजह से आपको इसमें ज़्यादा डर भी नहीं लगता है, क्योंकि अपने जो नॉर्मल कैमल होते हैं उसका हम्प जो है बिल्कुल बीचों बीच होता है, तो वहाँ पर आप जब बैठते हो तो उसके मोमेंटम के साथ में आप काफ़ी हिलते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप एक मतलब एक सीट जैसा आपको माहौल मिल जाता है। और यहाँ पर है ATV राइड्स। ऑलमोस्ट जब से हमने नुब्रा वैली में एंटर किया है तब से हमने देखा है कि यहाँ पर ATV राइड्स का बहुत ही कल्चर है। मेरे ख्याल से शायद डेजर्ट एरिया है उस वजह से यहाँ पर ATV राइड्स अभी बहुत ही पॉपुलर हो गए, और उसी वजह से अभी यहाँ पर भी ATV राइड का काउंटर खुल चुका है। तो चलिए एक बार चल के पूछते हैं यहाँ पर टिकट्स क्या है, तो अगर आप भी आओ तो यहाँ पर आप प्लान कर सकते हो। सर जी कितना है राइड का? 1000। अभी ऑफ सीजन का ये रेट है, तो सोचिए सीजन में यहाँ पे क्या रेट होगा, लेकिन फिर भी है काफ़ी लोग हैं। इसमें भी टेंडम होता है, आपको सिर्फ आगे बैठना होता है और राइड कोई और ही करने वाला है। देख सकते हो देखो पीछे जो भाई साहब बैठे हैं वो चलाएंगे, जैसे जेट्स की होता है उसी तरह से है ये। यहाँ पे आर्गुमेंट हो रहा है कि मैं चलाऊंगी। और यदि आपको भी कैमल सफारी करना है तो उसके लिए आपको यहाँ से टिकट लेना होगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक है और शाम को 3 बजे से 6 बजे तक का है। सर जी मिस बिहेव मत करना प्लीज, पहले ही बताओ, गिरा रहेगा ना चोट लगेगा आपको ही नुकसान है। ठीक है भैया, टिकट कितना है? बाइक जैसा नहीं है सर, अगर इसका एक लाभ पड़ेगी ना पता चलेगा भैया। अब अलग इंडिया में चले जाओ। कितना टिकट है? एक लाख। सर जी 350 है पर पर्सन। 350 पर पर्सन, ओके 350 पर पर्सन, नॉट बैड।
एटीवी से तो कम ही है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर घर में 5-6 लोग हैं तो भी काफ़ी लंबा चौड़ा बिल बन जाएगा। और वहीं पे आगे ये आर्चरी भी है, तो चलिए यहाँ पर भी पूछते हैं आर्चरी का क्या कॉस्ट है। कितना है बॉस? 100 में 5। ओके, 100 रुपये से नीचे तो आजकल भाई टूरिस्ट लोकेशन पे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी क्या लोग घूमने आते हैं तो फिर इतना सोचते नहीं है। देखिए दोस्तों, ये एज में भी लोग घूमने आते हैं, तो स्पिरिट होना चाहिए घूमने के लिए। एज डजंट मैटर, अगर आप में वो स्पिरिट है या वो पैशन है। बहुत लोग एक्सक्यूज देते हैं, यार हम तो कहीं जा नहीं पाएंगे, हमारी एज हो गई है। कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती दोस्तों, अगर आप में पैशन है तो कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती। और मेरे अकॉर्डिंग तो ट्रैवलिंग से बड़ी और कोई टीचर नहीं है, तो मैं तो ट्रैवलिंग को अपना पैशन मानता हूँ। और आपको पता है कि मेरे चैनल पे आपको सारा ट्रैवलिंग रिलेटेड कंटेंट ही ज़्यादा देखने मिलेगा। और यदि आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। और ये दोस्तों वही लेके जो मैंने आपको आने के टाइम पे दिखाया था, ऐसे पानी में लोग पैर डाल के बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ये लद्दाखी कॉस्ट्यूम काउंटर जो आने के टाइम मैंने बताया था आपको, 200 रुपया यहाँ पर हेड चार्ज होता है। तो अभी ज़्यादातर जो क्राउड है वो पूरा गुजरात का ही है, सब गुजरात से लोग आए हुए हैं घूमने फिरने में। गुजराती बंगाली लोग बहुत आगे होते हैं, मैंने देखा है। मैंने ज़्यादातर टूरिस्ट लोकेशंस पे यही दो कम्युनिटी वाले लोग मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस किए दोस्तों। हम भी जब सिक्किम दार्जिलिंग घूमने गए थे तो सिक्किम में गैंगटॉक में भी हमने इस तरह से वहाँ के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहन के फोटोग्राफी की थी। यदि आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर से देखिएगा, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हम अभी अंदर से बाहर जा रहे हैं, पहले यहाँ पे ढूंढेंगे अगर कहीं यहाँ पे कोई अच्छा सा कैंप साइट मिला जहाँ पे हमें अपना खुद का टेंट लगाने की परमिशन देंगे तो हम लोग वहाँ पे टेंट लगाएंगे, क्योंकि अंधेरा होने आ गया। आप देख रहे हो जैसे सनसेट हो चुका है और यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, तो उस हिसाब से पब्लिक भी बहुत है। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। तो अभी दोस्तों करीबन 6:30 बजने को आ गए थे और अभी हम अलविदा ले रहे हैं इस खूबसूरत स्थान से। अभी थोड़ा सा हम लोग ऑफ रोड जा रहे हैं, यहाँ पे एक कैंप साइट का बोर्ड देखा है हम लोग ने, अभी देखते हैं वहाँ पे लिखा है उन्होंने कि कैंप साइट अवेलेबल, करीबन 1 किलोमीटर है। रास्ते इतने ठीक नहीं है, लेकिन अगर अच्छा कोई लोकेशन मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। और वहीं दोस्तों कुछ आगे बढ़ने पर सामने की तरफ हमें कैंप साइट जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन ये तो पेड़ कैंप साइट था, मतलब यहाँ पे इन्होंने अपने खुद के टेंट लगाए हुए थे। तो पहले तो हमें लगा कि शायद ओपन कैंपिंग ग्राउंड होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। आप देख सकते हो अंदर कुछ, देखो टेंट लगे हुए है, तो यहाँ पर तो हम कैंपिंग नहीं कर सकते। और उसी के आगे दोस्तों हमें और एक कैंप साइट मिल गया था, तो यहाँ पे कैंप डेजर्ट स्विस कैंप साइट है अंडर का। फिलहाल तो बंद है या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं यहाँ पे जाके पूछते हैं किसी, कोई है शायद वहाँ पे, घर पे गाड़ी खड़ी है, प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं टेंट अगर वो परमिशन दे तो। लोकेशन बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे कोई है नहीं, पूरा बंद है, तो अभी आगे चलते और देखते। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, जो होगा देखा जाएगा। चलिए तो दोस्तों काफ़ी घूमने के बाद में भी हमें कोई प्रॉपर कैंप साइट मिला नहीं, तो हम इस होटल में आए थे पूछने के लिए कि ये जो बाहर लॉन है यहीं पे हम टेंट लगा लेके आप। तो यहाँ पर इनका मैनेजर था, उसने कहा कि सर आप टेंट तो नहीं लगा सकते, लेकिन आप चाहो तो रूम ले लीजिए। तो यहाँ पर हमें जो रूम था ये 500 रुपीज़ में मिल गया था। हालांकि इनका टैरिफ ज़्यादा था, करीबन 1500-2000 रुपये टैरिफ था, लेकिन नया ही खुला है तो अभी यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं था, तो उन्होंने हमें 500 रुपये में रूम दे दिया। तो चलिए एक बार मैं आपको रूम भी अंदर से दिखा देता हूँ। ये भाई साहब है, इनका नाम थापा है, और यहाँ पर ये सामने इस तरह से कॉमन किचन बना हुआ है। होटल काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर फ्री वाईफाई भी था,
और गर्म पानी की भी सुविधा थी। और ये जो होटल है दोस्तों, इसका नाम नोबरा लॉन्ज है। इसकी कॉन्टेक्ट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये हमारा रूम है दोस्तों, इस तरह से ये डबल बेड बना हुआ है। रूम काफ़ी कोजी है और साथ ही साथ यहाँ पे बाथरूम भी बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी नीट एंड क्लीन बाथरूम है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गर्म पानी की सुविधा भी है। तो और क्या चाहिए दोस्तों 500 रुपये में। तो चलिए दोस्तों, डे 7 का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि कल के वीडियो में हम आपको यहाँ से लेके जाने वाले हैं त्याक्षी, तुर्तुक और थांग। और रास्ते में हम आपको दिखाएंगे यहाँ के जो कुछ बंकर्स जो इंडो पाकिस्तान वॉर के टाइम पे बने हुए थे। और साथ ही साथ हम जाएंगे रास्ते में पढ़ने वाले शौक वॉर मेमोरियल, जो हमारे वीर सैनिकों की गाथा सुनाता है। और उसी के बाद जाएंगे हम थांग, जहाँ से आप इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसे भी देख सकते हो। तो ये जो सारा एडवेंचर दोस्तों हमारे अगले वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अपने अभिप्राय भी हमें कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।